हेलो गाइस आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट के बारे में तो आर्टिकल टूल्व जो है डिफाइन करता है स्टेट को तो क्वेश्चन ये है कि स्टेट को जानना इतना जरूरी क्यों है स्टेट है क्या वो इसलिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड है अगेंस्ट द स्टेट इसलिए स्टेट को जानना बहुत जरूरी है जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट जाते हैं जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम रिट फाइल करते हैं और जो रिट जो है हमेशा स्टेट के अगेंस्ट फाइल होती है इसलिए स्टेट के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी बॉडी स्टेट के अंडर में आएंगी आर्टिकल ट्वेल्व के अंडर में तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ट्वेल्व टर्म स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग फॉलोइंग थिंग्स थिंग्स क्या क्या है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर भी कहता है द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट

Beam हो गया कहते हैं कि स्टेट स्टेट जो हर की लेजिस्लेचर है और वहां की एग्जीक्यूटिव है वो आ गई लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी को हम जानेंगे लोकल तो अथॉरिटी सब जो इससे पहले देखते हैं जो आर्टिकल 12 में जो वर्ड दिया गया अथॉरिटी उसका मतलब है पावर टू मेक लॉस ऑर्डर बाई लॉस तो जो अथॉरिटी है उसका मतलब है लॉ बनाने की पावर ऑर्डर और रेगुलेशन हम लोकल अथॉरिटी को जानते हैं लोकल अथॉरिटी जो टर्म है वो डिफाइन किया गया है

अदर अथॉरिटी डिस्कशन का सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी स्टेट्यूट में तो अंडर आर्टिकल ट्वेल्व अदर अथॉरिटी हैज बीन इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली बाई कोर्ट तो इसे कोर्ट ने डिफरेंटली इंटरप्रिटेट किया है अलग अलग केसेज में चलिए उन केसेज को देखते हैं एक एक करके सबसे तो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वैसे शांताबाई इस केस में क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी क्या स्टेट है या नहीं तो इस केस में क्या होता है जो मद्रास हाई कोर्ट है वो इस केस में एक प्रिंसिपल अप्लाई करती है टर्म जेनेरिस इसका मतलब होता है ऑफ सेम काइंड मतलब सेम काइंड के नेचर के जो होते हैं मतलब कि जैसे कि हम बात करें कार बाइक बस साइकिल एक्सेट्रा तो एक्सेट्रा का मतलब है कि इसमें व्हीकल की बात हो रही है इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है विस्की रम वाइन रेड वाइन तो अगर इस तरह की जब एक्सेट्रा बात आती है तो मतलब कि ये इस तरह के एल्कोहल की एल बात हो रही है इसी तरह के इसे कहते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है और कोर्ट मानती है कि आर्टिकल ट्वेल्व में ये जो दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट और लोकल अथॉरिटी ये सब सेम काइंड नेचर की बात कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट फंक्शनल हो रहे हैं और सॉवरेंट फंक्शन की बात हो रही है इसलिए ये कहती है मद्रास हाई कोर्ट कि यूनिवर्सिटी ये सेमचर के, के फंक्शन को नहीं कर रही इसलिए वो इसे स्टेट नहीं मानती

जरूरी नहीं है कि वो परफॉर्म कर रही हो गवर्नमेंट और फंक्शनल कोर्ट हेल्प करती है इसमें वो जो के होते हैं, अगर वो पब्लिक इम्पोर्टेंस और क्लोजली है वो ट्रीट किए जाएंगे एज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो स्टेट के अंडर में माने जाएंगे विद इन मीनिंग ऑफ पार्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई भी अगर फंक्शन कर रही है पब्लिक इंपोर्टेंस में और वो गवर्नमेंट के रिलेटेड है तो वो स्टेट मानी जाएगी और इस फाइनेंसेशन इस और और को स्टेट कंसिडर करती है अब नेक्स्ट केस देखते हैं रमन्ना दयाराम शेट्टी वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इस केस से हमें

कंट्रोल है स्टेट का वो और फंक्शनल करेक्टर जो है बॉडी का वो गवर्नमेंटल है और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का को कोई गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉरपोरेशन में और कॉरपोरेशन इंजॉय कर रहा है मोनोपोलीस मौनोप्ली जो स्टेट उसे कंफर्म करता है और स्टेट प्रोटेक्टेड करता है अगर ये सारे टेस्टेड अप्लाई होते हैं तो वो स्टेट कंसिडर किया जाएगा हालांकि कोर्ट इसमें यह भी कहती है कि ये जो टेस्ट है ये कंक्लूसिव नहीं है यह सिर्फ है जो चीजें हैं वो फैक्ट पे ही क्लियर होंगी लेकिन इस केस से हमें ये डिटरमाइनिंग टेस्ट मिलते हैं जो हेल्प करते हैं स्टेट को जानने में कि क्या कौन सी बॉडी स्टेट होगी नहीं होगी नेक्स्ट केस देखते हैं सोम तो प्रकाश वैसे यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्प करती है जो ट्रू टेस्ट है पर्पस है वेदर बॉडी ऑफ अथॉरिटी अंडर आर्टिकल वो फंक्शनैलिटी पे वो फंक्शनैलिटी पे है इससे मैटर नहीं करता कि वो स्टेटरी बॉडी है या नॉन स्टेटरी बॉडी है और इस केस में जो एक्सप्रेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज वो करती है कन्फाइंड करती है only to statutory corporation alone but also non statutory body like government companies registered society or bodies which have some nexus with the government ye state mani jayenge this statutory corp jo body hai us wo state nahi hongi non statutory body bhi state में हो सकती हैं जैसे कि government कंपनीज और registered societies। नेक्स्ट गेज है अजय हासिया वैसे खालिद मुजीब

टेस्ट दिए गए हैं और उन टेस्ट के बेसिस पे हेल्ड करते है जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो स्टेट है इसलिए वो स्टेट के मीनिंग में आता है अंडर आर्टिकल ट्वेल्व आई होप की आपको स्टेट क्या है अदर अथॉरिटी समझ में आ चुका होगा और स्टेट में क्या क्या आता है और स्टेट की कॉन्सेप्ट को जानना क्यों जरूरी है

अंडर में नहीं आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट्वेल्व के अंडर में नहीं आएगी लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में वर्क कर रही है तो वह रिट का जुडिशियन हो सकता है होगा तो जब वो फैसला सुना रही है, कर रही है है वर्क कर तब जुडिशियरी स्टेट नहीं मानी जाएगी लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कर रही है तो स्टेट मानी जाएगी अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है उसके जैसे जब हाई कोर्ट कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो इस तरह के वर्क उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ है तो इससे आपको क्लियर हो गया हो कि जुडिशियल स्टेट है या नहीं है तो जुडिशियल स्टेट नहीं है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तब तो वो स्टेट के अंडर में आएगी आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका हो आर्टिकल ट्वेल्व आपको पूरी तरह समझ में आ चुका हो गाइस थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो